भैया, मेरा घर ही है, लेकिन एक बात रख रहा हूं, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह के बाद कोई नीरस बात नहीं होनी चाहिए और बढ़िया बात होनी चाहिए। तो एक धुनाई जवाबी लाइन दे गुरु। हवा ए खटा, अरे क्या तुझको है पता, अरे अब के बरस जो बरसेगा, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, अरे अब के बरस जो बरसेगा, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। और बाबा सावन जैसा भी हो मेरा सावन कैसा हो, वो सावन जैसा भी हो मेरा सावन कैसा हो, सावन कैसा भी हो मेरा। देखिए आप तो उस घराने से हो, आप तो उस घराने से हो जिसमें हमेशा कलाकार ही पैदा हुआ करते हैं, लेकिन भावी गुरु परम आदरणीय मेरे रामदेव गुरु जी ने एक बात लिखी थी, वो बात आज यहां वो साबित होती है। वो कौन सी बात है? उन्होंने केवल मुझसे ये कहा था कि बेटा अगर सामने वाले को झुकाना है तो केवल अपने संस्कारों से झुका दो। चार लाइन कह रहा हूं ललित भाई सुनेगा। अरे शुभ संस्कार में पर उपकार में जीवन की एक सुख मूल बन जाइए, अरे जीवन की एक सुख मूल बन जाइए। ब्रजकिशोर भैया जा कहूंगा भैया आ जाने स्टेज पे आ जा भैया। शुभ संस्कार में पर उपकार में जीवन की एक सुख मूल बन जाइए, और सत्य की समा हो कोई भूल की क्षमा हो कोई भूल करना हो ऐसी भूल बन जाइए, भूल करना हो भी ऐसी भूल नहीं चाहिए, भूल करना हो ऐसी भूल नहीं चाहिए। बेशक ये वक्त ना प्रवीण भैया, बेशक ये वक्त ना बन पाओ भक्त ना तो भक्तों के चरणों की धूल बन जाइए, भक्तों के चरणों की धूल हमें चाहिए, भक्तों के चरणों की धूल हमें, अरे भक्तों के चरणों की धूल हमें चाहिए। और ललित भैया, अरे दुनिया में छाटे हैं कांटे ही कांटे हैं, कांटों के बीच एक फूल बन जाइए, हो कांटों के बीच एक फूल। सुनाई रविंद्र भैया। अरे ए हवा ए खटा, क्या तुझको है ये पता, अरे अब के बरस जो बरसेगा, अरे अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अरे ए हवा ए खटा, क्या ये तुझको है पता, अब के बरस जो बरसेगा, अब के बरस जो बरसेगा वो
सावन जैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा तो लिखा क्या राधा मेरी स्वामिनी स्वामिनी रे कहना क्या राधा मेरी स्वामिनी और मेरा धे को दास क्या राधा मेरी स्वामिनी और मेरा धे तेरो दास। मैं बार बार यही बात कहूंगा के मेरा थे को दास और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को के जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को। क्योंकि नरेश भैया ये क्षेत्र ये ब्रजभूमि है, आइए देखे। और हमारे आदरणीय गुरुदेव बॉबी गुरु जी ये कैमरों का आशीर्वाद, हमारे गुरुदेव अखिलेश ब्रजवासी जी उनके बड़े भाई यानी मेरे भी गुरुदेव बॉबी शर्मा जी उनकी तरफ से अपने छोटे बेटे के लिए आशीर्वाद आया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से। क्या बात, अब कहना क्या जिंदगी में चार दिन का आदरणीय हमारे स्वर्गीय गुरु अशोक शर्मा जी कवित्व बोला करते थे गुरुदेव क्या जिंदगी में चार दिन का और बस झमेला जाएगा भाई बहन नारी सुता और ना संग चेला जाएगा माल धन दौलत खजाना और ना संग भेला जाएगा क्यों क्योंकि आया है हर बंदा अकेला और अकेला के आया है हर बंदा अकेला और अकेला जाएगा। और कहना अब कहना क्या नरेश भैया एक कवि ने कल्पना की और क्या की रविंद्र भैया आप लोगों से अनुरोध है बैठ लो, आप ही का बच्चा हूं, वैसे तो रोज ही सुन तो आज ही सुन ले। क्या बात है तो कहना मन हर्ष कर शब्दों पर ध्यान दीजिए के मन हर्ष कर ब्रज दर्श कर मन हर्ष कर ब्रज दर्श कर गुरुदेव मन हर्ष कर ब्रज दर्श कर क्यों मरता है तरस कर। कभी कह रहा है मन हर्ष कर ब्रज दर्श कर और क्यों मरता है तरस कर। मन हर्ष कर ब्रज दर्श कर क्यों मरता है तरस कर। अरे इतना प्यार कन्हैया का इतना प्यार कन्हैया का इतना प्यार कन्हैया का तो तरसाना कैसा हो। इतना प्यार कन्हैया का है इतना प्यार कन्हैया का तो तरसाना कैसा हो। भगवान अपने भक्तों पे प्यार दिखाते हैं लेकिन कभी कल्पना कर रहा है कि अगर वही भगवान तरसाने पे हो जाए तो क्या होगा। इतना प्यार कन्हैया का इतना प्यार कन्हैया का तो तरसाना कैसा होगा। और बात समझ में आ जाए तो आप लोगों का प्यार चाहूंगा बस। अरे तरसाना कैसा होगा अरे नंदगाम अरे नंदगाम है ऐसा वो परसाना। और हमारे बड़े भाई प्रधान जी की ओर से आशीर्वाद आया है और आशीर्वाद की कामना करेंगे। भैया
रसिया तो अब हो रहे हैं, रसिया तो अब हो रहे हैं, रात भर तो गाजरों पे दाल चली थी। सुनो आउजी, अरे इतना प्यार कन्हैया का, इतना प्यार कन्हैया का तो परसाना कैसा होगा, अरे नंदगाम है ऐसा वो परसाना। गुरुदेव, ये बीके मधुआ राय वालों के बच्चे हैं। इस अखाड़े में बच्चा बच्चा अभिमन्यु हुए, घुसकर कबड्डी देता है। क्या बात है ललित भैया, और कहना। अरे झीलम जन्म लियो बनवारी, झीलम जन्म लियो बनवारी, कन्हैया मोरे सावरे सावरे। अरे झीलम जन्म लियो बनवारी, अरे झीलम जन्म लियो बनवारी। शब्द बोलने चाहिए, हम बाद में बोले, पहले तुम बोलो। उसे गाना बजाना कहते हैं, वैसे तो गाय तो सब लेते हैं। बिल्कुल, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि शब्द बोलने चाहिए। पहले गाते थे रसिया वाले, पहले जो गुरुदेव थे वो बाद में बोलते थे, पब्लिक पहले बोलती। झेलम जन्म लियो बनवारी, अरे परसाने में बरसाने, परसाने में प्रसा दुलारी, अरे झीलम जन्म लियो बनवारी, परसान में प्रसभान दुलारी, झीलम जन्म लियो बनवारी, परसान में प्रसभान दुलारी। और कहना का प्रधान जी, झीलम जन्म लियो बनवारी, परसान में प्रसभान दुलारी। और अरे उंगली लगा के पानी रोका, भगवान श्याम ने जब आपदा पड़ी तो गोवर्धन धारण कर लिया, जब ज्यादा वर्षा हुई, अरे उंगली लगा के पानी रोका बाबा, उंगली लगा के पानी रोका, बरसाना कैसा होगा, उंगली लगा के पानी रोका, उंगली लगा के पानी रोका, बरसाना कैसा होगा। जो भक्त भगवान को बचा, जो भगवान भक्त को बचा रहे, और अगर वो बरसाने पे आ जाए जो बचा रहे, अरे उंगली लगा के पानी रोका, बरसाना कैसा होगा, अरे नंदगाम है ऐसा वो बरसाना कैसा हो। और कहना चलते चलते, अरे बन बन में जाने रासो रचायो, बन बन में जाने रासो रचायो, सावरे बन में जाने रासो रचायो,
अरे खुद नाचो सारो, खुद नाचो सारो जगत नचायो, खुद नाचो सारो जगत नचायो, खुद नाचो सारो जगत नचायो। क्या बात है मेरी जान। अरे बनपन में जन रहस रचायो, खुद नाचो सारा जगत नचायो, बनपन में जन रहस रचायो। भैया दिल से कह रहा हूँ, आज परशुराम की याद दिलवारा थी। बन बन में जाने रास रचायो, और खुद नाचो सारा जगत नचायो। और पंक्ति बनी, और कौन सी पंक्ति बनी? अरे भक्तों के दुख में दुखी हूँ, भक्तों के दुख में दुखी हुए, भक्तों के दुख में दुखी हुए, जो भगवान भक्तों के दुख में दुखी है। अरे भक्तों के दुख में दुखी हुए, हर्षाना कैसा होगा भक्तों के दुख में दुखी भए, हाँ भक्तों के दुख में दुखी भए, हर्षाना कैसा होगा। और लास्ट पंक्ति की ओर चलते हुए, लिख के सुरेंद्र शर्मा चीज सुनाई, मेरे प्रथम गुरु पिता ही होता है, और मेरे पिता प्रथम गुरु हैं मेरे, और उनकी लिखी ज्यादातर मैं आज तक जब से गाना शुरू किया है मैंने उनकी गा रहा हूं। रविंद्र भैया लिख के सुरेंद्र शर्मा चीज सुनाई, और अरे आगे देखो का कविता आज मो लग रही है मोत ज्यादा, तुम तो राटे काट रहे हो। तो मैंने खाई खो दी है ये भैया बाकू पाट रहे हो, और जी हम ते ज्यादा आज जी भैया धराटे से, अरे लिख के सुरेंद्र शर्मा चीज सुनाई, आगे देखो का कविता, अरे लिख के सुरेंद्र शर्मा चीज सुनाई, आगे देखूंगा कविताई, लिख के सुरेंद्र शर्मा चीज सुनाई, आगे देखो कविताई। अरे बंद बांध के लिखते सर, बंद बांध के लिखते, बंद बांध के लिखते शर्मा, दर्शाना कैसा होगा। ललित भैया 360 के टावर आ रहे हैं। फोर जी को ना है या 5G को जमानो है, मिस्टर 360 डिग्री सेल्सियस। अरे बंद बांध के लिखते शर्मा, और दर्शाना कैसा होगा, और नंदगाम है साबो बरसाना। अब रहने कहाँ से ले गए तू यार।